नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताने वाले हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन और साथ ही अब बुधवार के लिए क्या बनाएं आप स्ट्रेटजी। और आपके साथ आपकी तैयारी कराने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। साथ ही खास मेहमान करा दे परिचय, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी हैं हमारे साथ आज। सुदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और पूरी रिसर्च टीम है मेरे साथ। कुशल से हम जानेंगे कैसा रहा आज बाजार का हाल, साथ ही नतीजों के बाद क्यों टूटा RIL और क्या कहते हैं HUL के नतीजों का अनुमान, बताएंगे हमें वरुण। एक्सिस बैंक के नतीजों का अनुमान और NBFC के लिए क्या है RBI की तैयारी, हम जानेंगे देवांशी से। और साथ ही ग्रासिम के पेंट कारोबार में उतरने की क्या है योजना, हमें बताएंगी मानसी। और अरबिंदो फार्मा पर अपडेट हमें देंगी सृष्टि। बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जरा बाजार के आज के एक्शन पर एक नजर डाल लेते हैं। तो बाजार में लगातार तीसरे सेशन में हमने आज देखा कि गिरावट रही। निफ्टी 133 अंक गिरकर 14,239 पर 239 और सेंसेक्स 531 अंक गिरकर 48,348 पर बंद हुआ। बैंक शेयरों की बात करें तो खरीदारी की वजह से बैंक निफ्टी 31 अंक चढ़कर 31,198 पर आज बंद हुआ। FIIs/DIIs के डेटा पर एक नजर डाल लेते हैं। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 765 करोड़ रुपए की आज बिकवाली की है। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 388 करोड़ रुपए की आज बिकवाली की। और बाजार पर एडिटर स्टेक के लिए अनिल जी के पास चलते हैं। अनिल जी, आज बाजार में हमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। अच्छी तेजी के साथ बाजार खुले तो थे पर संभल नहीं पाया बाजार, दबाव कहां से बन रहा है अभी बाजार में? हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजारों में आज जबरदस्त एक्शन दिखा। पिछले दो दिनों से भारतीय बाजार कमजोर थे और लोगों को डर यह था कि शुक्रवार को जिस तरह की क्लोजिंग हुई उसको देखते हुए दबाव रहेगा, लेकिन इसके विपरीत एशियाई बाजारों की मजबूती से भारतीय बाजार दमदार तेजी के साथ खुले और तेजी भी इतनी कि निफ्टी सेंचुरी मारकर ऊपर खुलता हुआ नजर आया तो सेंसेक्स और बैंक निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर खुले। लेकिन शुरुआती आधे घंटे में तेज दबाव बिकवाली का बनता हुआ दिखा और दिन के लोएस्ट पॉइंट पर जाकर बाजार ट्रेड करते हुए दिखे, लेकिन उसके बाद फिर से आई तेज रिकवरी और दिन के दौरान का एक बार फिर से हाई बनाया। उसके बाद से लेकर क्लोजिंग तक लगातार बाजार ऊपर नीचे ट्रेड करते हुए दिखे। आज बाजार की चाल का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल था, लेकिन दोपहर में 2:30 बजे के बाद बाजार ने डायरेक्शन नीचे की तरफ दे दिया और फाइनली दिन के सबसे निचले स्तरों के आसपास निफ्टी और सेंसेक्स बंद होते हुए दिखे। हालांकि बैंक निफ्टी इस ट्रेंड के विपरीत था और बैंक निफ्टी में फिर भी हरे निशान में क्लोजिंग होती हुई नजर आई, थोड़ी सी तेजी के साथ हुई लेकिन हुई जरूर। तो आज के जो ट्रेड में सबसे बड़ा बिकवाली का दबाव था, पहले दबाव यह आया कि चीन के साथ सीमा पर थोड़ा विवाद बढ़ा है, उस खबर के चलते बाजार में प्रेशर आया, लेकिन उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स जो सपोर्ट करते हुए दिखे उससे तेजी दिखी। मार्केट हल्के हो चुके थे पुट कॉल रेशियो पे तो वहाँ से थोड़ा सपोर्ट आता दिखा, लेकिन ऊपरी स्तरों पर बिकवाली का दबाव दो वजह से बना, पहला FIIs की बिकवाली भी और दूसरा बजट से पहले थोड़ा सा ट्रेडर्स अपनी पोजीशन हल्के करने के मूड में नजर आए। तो कुल मिलाकर आज बाजार का ट्रेंड साफ नहीं था, ऊपर नीचे ट्रेड होते होते फाइनली लगातार तीसरे दिन क्लोजिंग नेगेटिव साइड पर होती दिखी। कल चूंकि बाजार बंद है और परसों फिर से बाजार खुलेंगे तो दो चीज़ें एकदम साफ है कि फिलहाल तीन दिनों का करेक्शन अब तक का, आप ये कह सकते हैं कि जब से बढ़िया तेजी शुरू हुई नवंबर के बाद से तब तक का सबसे लंबा करेक्शन है दिनों के हिसाब से आप कह सकते हैं। तो थोड़ा सा नर्वसनेस है, बड़ी इवेंट के पहले पोजीशन कम करने की टेंडेंसी आपको दिख रही है। अच्छी बात ये रही कि बैंक निफ्टी आज उतना कमज़ोर नहीं हुआ जितना कि शुक्रवार के सेशन में था, 1,000 पॉइंट गिरा और बड़ी मुश्किल से हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। तो परसों का सेशन जो होगा वो मेक और ब्रेक वाला होगा। जी बहुत शुक्रिया अनिल जी। फिलहाल हमने तो ये जान लिया कि आज बाजार के लिए अहम संकेत क्या थे, लेकिन अब जब बुधवार को बाजार खुलेंगे तब किन संकेत को देखकर बाजार रिएक्ट करेंगे ये भी आपसे समझेंगे, थोड़ी देर में आपके पास फिर से आते हैं। लेकिन आज बाजार में जो हमने मूवमेंट देखी है, कौन से सेक्टर में किस खबर की वजह से हमें आज मूवमेंट देखने को मिली, जरा समझते हैं कुशल गुप्ता से। कुशल, जरा बताएं आज कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन था? जी,
तो शुक्रवार की गिरावट के बाद आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन भी बाजारों में हमें गिरावट का दौर ही देखने को मिला। इनफैक्ट ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तरों पर जाकर बंद होते हुए दिखे बाजार। और यहां पर जो गिरने वाली सूची थी उसमें रिलायंस जो है वो टॉप लीड करता हुआ नजर आया, जहां पर 5.5% का डीप कट हमें देखने को मिला। साथ ही इंडसइंड बैंक, HCL, टेक जैसे शेयरों में भी मुनाफा वसूली का दौर जो है हावी रहा। यहाँ पर जहाँ तक गेनर्स का सवाल है, वहाँ पर ग्रासिम और साथ ही अगर आप UPL को देखें तो यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस आज के सत्र में बनती हुई दिखी। इनफैक्ट ग्रासिम तो 6-7% की तेज़ी दिन के दौरान इसने लगाई। और साथ साथ अगर आप IT की स्पेस की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर गिरावट का रुझान जो है HCL टेक के साथ साथ कोफोर्स, टाटा इलेक्ट्राइ जैसे शेयरों में भी देखने को मिला। PSU बैंक्स ये भी अपना लूजिंग ग्राउंड देख रहे थे, जिसमें J&K बैंक, यूनियन बैंक में आज मुनाफा वसूली हावी रही। रियल्टी स्पेस में भी जो है आपको कहीं ना कहीं इतने दिनों की जो तेजी थी यहां पर आज गिरावट का रुझान रहा, जिसमें ओबरॉय रियल्टी, सनटेक रियल्टी जैसे स्टॉक्स जो है 2-4% तक लुढ़कते हुए दिखे। पर एक स्टॉक, इनफैक्ट एक सेक्टर ऐसा था जहां पर बढ़िया तेजी बनी, जिसमें अरबिंदो फार्मा जो है लीड करता हुआ नजर आया। ये स्टॉक में आप देखिए दिन के दौरान 10% का अपर सर्किट भी लगता हुआ दिखा। साथ ही कडिला हेल्थ केयर, सन फार्मा में बेहतरीन तेजी बनती हुई दिखी। और अंत में जी के हिट कॉल्स की बात करें तो ग्रासिम सिमी जी ने आपको दिया था, हीरो मोटोकॉप वागले जी की तरफ से भी रिकमेंडेशन थी, और फेडरल बैंक सुमित जी ने भी रिकमेंड किया था। यहाँ पर आशा करते हैं कि आपको जो है भारी प्रॉफिट देखने को मिला होगा, पर कहीं ना कहीं बाजार का जो अभी मूड माहौल है वो नेगेटिव साइड की तरफ ही देखने को मिल रहा है। जी शुक्रिया फिलहाल कुशल आपका बाजार पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी का रुख करते हैं। सुदीप जी, लगातार तीसरे दिन बाजार में हमें बिकवाली देखने को मिली, जैसा अनिल जी भी कह रहे थे कि बड़े इवेंट के पहले बाजार का रिएक्शन एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, साथ ही अभी फिलहाल क्या किया जाना चाहिए जो जितने भी निवेशक है उनके जरिए? देखिए जैसे अनिल जी कह रहे थे, हम भी ये कहेंगे कि बाजार बजट के पहले थोड़ा नर्वस रहता है। और एक चीज हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक मार्केट एक रिकॉर्ड हाई के पास है और उसी लेवल से बजट को देख रहा है, तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली, थोड़ा बहुत पोजीशन प्रूनिंग आई वुड से पार फॉर द कोर्स है, तो इसमें ज्यादा शंका की कारण नहीं है। दूसरी बात जहां पे मैं निवेशक को फोकस करने के लिए कहूंगा वो है कि बाजार में लिक्विडिटी का सिलसिला बरकरार है, और US में जो नए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पावर पे आए हैं बाइडेन साहब, उनका कहना है कि बहुत बड़ा स्टिमुलस आने वाला है, 1.9 ट्रिलियन की बात वो कर रहे हैं। लगता है कि ये थोड़ा प्रून होके बिटवीन 1.2 एंड 1.5 ट्रिलियन स्टिमुलस मार्केट में वापस आएगा। दिस इज ऑन टॉप ऑफ करीबन 980 ट्रिलियन बिलियन जो पहले आ चुका है, तो ये बहुत बड़ा लिक्विडिटी मार्केट के लिए है और ग्लोबली ये मार्केट्स को ड्राइव करेगा। तो हमारी सलाह तो निवेशक के लिए यही है कि अगर मार्केट में करेक्शन अच्छा खासा हो रहा है, 3 दिन से करेक्शन हो रहा है, इस मौके पे आप अच्छे शेयर खरीद के अपना पोर्टफोलियो बनाइए। मैं रिलायंस का जिक्र करना चाहूंगा जहां पे डीप कट देखने को मिला है, नतीजे ठीक ठाक थे, ऐसा कुछ बुराई नहीं था। जियो में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है, जरूर खरीदारी की अपॉर्चुनिटी बन रही है। बाकी सारे भी काउंटर्स जहां पे शार्प कट देखने को मिला है, सिलेक्टिवली बाइंग जरूर कर सकते हैं निवेशक, IT क्षेत्र में बाइंग कर सकते हैं, फार्मा में बाइंग कर सकते हैं। तो ये जो डिप है, दिस शुड बी ट्रीटेड एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेश बाइंग। तो गिरावट में खरीदारी का मौका ढूंढने की कोशिश कीजिए, हमारे आज के एक्सपर्ट सुदीप जी की राय है। बातचीत सर आपसे जारी रहेगी, लेकिन इस बीच RIL का जिक्र लगातार हमारे शो में भी हो रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में आज भारी गिरावट हमें देखने को मिली, नतीजे आने के बाद RIL जबरदस्त टूटा है। वजह क्या रही है गिरावट की और जरा समझते हैं हमारे सहयोगी वरुण से। वरुण बताएं RIL में इस गिरावट की वजह। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में जो गिरावट देखने मिली उसके 3-4 बड़े कारण हैं। सबसे पहला तो इस कंपनी के नतीजे और उसमें भी ऑयल एंड गैस का कारोबार। दरअसल इस कंपनी ने अपना जो सेगमेंट्स है उसकी रीऑर्गेनाइजेशन की, जिसके कारण जो पेटकेम और रिफाइनिंग का कारोबार था अब वो ऑयल टू केमिकल कारोबार कहलाता है। लेकिन इसको मापने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर था GRM का। पिछले क्वार्टर में वो लाइफ लोस पे पहुंच गया था और इस बार कंपनी ने अपना GRM का जो आंकड़ा है वो दिया ही नहीं है, तो ये बाजार को पसंद नहीं आया। जो फाइबर टू होम का कारोबार है उसको लेके भी ज़्यादा डेटा नहीं दिया गया, जो भी लोगों को पसंद नहीं आया। सऊदी अरामको के साथ जो डील थी वो कहाँ तक पहुँची है इसके ऊपर कोई क्लैरिटी है नहीं। और इडलवाइज की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और वो कह रहे थे कि रिटेल में और जियो में जो इन्होंने कारोबार बेचा है उसके चलते आगे मुनाफे पे इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा, जहाँ पे कमी आ सकती है। इसके अलावा और एक कारण ये है
कि टेस्ला के जो इलॉन मस्क है उन्होंने कहा है कि ईवी के बाद अब उनकी नज़र जो है वो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर पर रहने वाली है। यूके, यूएस, कनाडा में काफ़ी सारे ग्राहक उन्होंने जोड़ लिए हैं और जो इंटरनेट सर्विसेज है कहीं ना कहीं उसके ऊपर वो फोकस करने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने 1000 से ज़्यादा सेटेलाइट जो है इस कंपनी के पास है जो कि स्टारलिंक नाम की कंपनी है, और ये कह रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में अगर आप फाइबर पहुंचाना चाहेंगे तो उसका खर्चा ज़्यादा होता है और कनेक्टिविटी ज़्यादा है नहीं। इसके लिए भारत और चीन जैसे बाजारों में ये ज़्यादा फोकस करने वाले हैं अपने टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के ऊपर। तो कहीं ना कहीं अगर टेस्ला की एंट्री या फिर स्टारलिंक जो कि कंपनी है, स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज जो कि इनकी कंपनी है, अगर उसकी एंट्री टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में हो जाती है तो इसका इम्पैक्ट भी जो भारतीय टेलीकॉम कंपनीज है उस पर पड़ेगा। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से आज रिलायंस के स्टॉक में गिरावट देखने मिली। बहुत शुक्रिया वरुण। आरआईएल पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए सुदीप जी आपसे एक क्विक टेक लेंगे। आरआईएल में क्या खरीदारी के मौके बन रहे हैं? जी बिल्कुल बन रहे हैं। मैंने जैसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया आरआईएल में, देखिए प्रॉब्लम कहां हम ढूंढ रहे हैं। जियो में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है जियो सेगमेंट, और आप जितने भी एनालिस्ट रिपोर्ट पिछले 3 महीने में निकले हैं वहां पर यह साफ है कि जियो का परफॉर्मेंस विल बी द बिगेस्ट ड्राइवर फॉर रिलायंस का अर्निंग इंप्रूवमेंट ओवर द नेक्स्ट 2-3 साल, और यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। दूसरी बात है जो सबसे बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग होगा वो होगा जियो प्लेटफॉर्म का लिस्टिंग और रिटेल का लिस्टिंग। तो दोनों लिस्टिंग में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ, पर आने वाले दिनों में होने की संभावना है। डोमेस्टिक या इंटरनेशनल लिस्टिंग वहां पे बहुत बड़ा वैल्यू अनलॉक होगा। सऊदी अरामको का डील जो O2C में होने की बात है वहां पे कुछ जानकारी नहीं मिली, पर O2C सेपरेट कंपनी बन गया है ये जानकारी साफ सामने आया है, और हम तो ये समझते हैं कि एक बहुत अच्छा प्रोग्रेस है सऊदी अरामको डील के लिए, क्योंकि ये प्री रिक्विजिट था डील का। तो ये सब अगर नजर में रखते हैं तो हम तो यही सलाह देंगे कि अगर आप लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं तो जब गिरावट रिलायंस के प्राइस में आ रहा है जरूर खरीदारी कीजिए। चलिए तो आरआईएल पर तो ये राय होगी सुदीप जी की। आगे बढ़ते हैं, नतीजों का सीजन है और एक्सिस बैंक अपने नतीजे पेश करने वाला है। कैसे रहेंगे बैंक के नतीजे, क्या कहता है नतीजों का पूर्वानुमान, जरा समझते हैं हमारे सहयोगी देवांशी से। देवांशी जरा बताएं एक्सिस बैंक प्रीव्यू। एक्सिस बैंक के आंकड़े इस तिमाही में काफी अच्छे रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब देखिए जो ब्याज आय है करीब 15-16% तक बढ़ती हुई दिख सकती है, और इसके अलावा जो ट्रेजरी आय है वो भी बढ़ती हुई दिखेगी, और इसी के चलते मुनाफे को भी इस बार सहारा मिलेगा। साथ ही जो रिकवरीज होंगी वो थोड़ी सी बेहतर रह सकती है, और इसके चलते भी जो मुनाफा है वो करीब इस बार 25-30% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रोविजन आप देखिए सालाना आधार पर देखें तो करीब 20% बढ़ने का अनुमान है, लेकिन तिमाही आधार पर इस बार प्रोविजन 10-15% तक कम होते हुए दिखेंगे। असेट क्वालिटी पर फोकस रहेगा, आप देखिए एसेट क्वालिटी भी बहुत ज्यादा कम या घटने का अनुमान नहीं है, 4.9% के आसपास इस बार GNPA रह सकते हैं 4.1% से घटकर, और अगर नेट NPA की बात करें तो 1% से लेकर 1.4 या 1.5% के आसपास रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। नजर रहेगी इस बार जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो किस तरह से आती हुई दिख रही है। लोन ग्रोथ, क्योंकि पिछले साल का जो बेस है वो काफी ऊंचा था, इस बार करीब 7-8% तक बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, और साथ ही आप देखिए इस बार जो प्रोविजंस हैं वो तिमाही आधार पर थोड़े से कम होते हुए दिखेंगे। लोन बुक में रिटेल और SME का जो लोन बुक है वो बढ़ती हुई दिखेगी, लेकिन कॉर्पोरेट लोन बुक पर अभी भी बैंक का कॉशियस है तो वो ज्यादा बढ़ती हुई नहीं दिखेगी। और इसके अलावा जो BB और बिलो के जो अकाउंट्स हैं इस पर नजर रहेगी, वॉचलिस्ट कितनी ज्यादा बढ़ती है, रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स कितने बढ़ते हैं इस पर भी नजर रहेगी। कुल मिलाकर एसेट क्वालिटी पर नजर रहेगी, और प्रोफोमा या जो बिना मॉरिटोरियम के जो NPAs आते हुए दिखेंगे उस पर क्लोज वॉच रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर जो नंबर्स हैं एक्सिस बैंक के वो इस बार अच्छे आते हुए दिखेंगे, मुनाफा भी करीब 25-30% बढ़ने का अनुमान है। बहुत शुक्रिया एक्सिस बैंक के नतीजों पर अनुमान बताने के लिए हमें देवांशी आपका। सुदीप जी, एक्सिस बैंक में नतीजे आने से पहले कोई स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है या वेट करें नतीजों का? देखिए नतीजा अच्छे आने की उम्मीद है, शेयर प्राइस भी अच्छा खासा एप्रिसिएशन देखने को मिला है, पर अगर आप एक साल प्लस का नजरिया से देख रहे हैं तो हम लोगों को लगता है इस लेवल से भी एक्सिस बैंक ऊपर जा सकता है। तो जैसे मैंने जिक्र किया लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो जरूर एक्सिस में निवेश करते हैं कर सकते हैं। और ICICI का भी मैं जिक्र साथ में करूंगा, वहां पे भी सेम तरह के नतीजे आने की उम्मीद रहे और वहां पे भी निवेश किए जा सकते हैं।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ग्रासिम का जरा रुख करें। ग्रासिम की पेंट कारोबार में उतरने की है योजना और क्या है पूरा पाइपलाइन में जरा समझते हैं। पूरी रिपोर्ट लेकर है हमारे साथ हमारी सहयोगी मानसी। मानसी जरा बताएं ग्रासिम की इस पेंट कारोबार की पूरी योजना। जी बिल्कुल, देखिए ग्रासिम कारोबार विस्तार करने जा रही है जिसके चलते फोकस में है। आपको बता दें 5,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पेंट व्यवस्थाएं में प्रवेश करने की ग्रासिम की यहां पर योजना है। आगे चलकर ये गोल्स बनाकर चल रहे हैं, अगले 3 साल में 5,000 करोड़ निवेश की योजना बनाकर चल रहे हैं। कंपनी कारोबार विस्तार के लिए लगातार नए रास्ते खोजती रहती है और ऐसा ही एक रास्ता अब पेंट क्षेत्र जो है वो उन्हें लग रहा है। नए और ग्लोबल ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए पेंट क्षेत्र में उतरने का प्लान कर रहे हैं और घरेलू पेंट कारोबार में फिलहाल जो कंपनियों की पकड़ है उनकी अगर मैं बात करूं, एशियन पेंट्स, कंसाइन एरोलैक और बर्जर पेंट्स जैसी कंपनियों को अब ग्रासिम जैसी कंपनी भी टक्कर देती हुई दिखेगी। ग्रासिम की रणनीति क्या है और क्यों उन्हें पेंट कारोबार पसंद आ रहा है, ये अगर समझने की कोशिश करें, एक तो मजबूत क्षमता वाले कारोबार में उतरने का लक्ष्य हमेशा से ग्रासिम का रहता है। वहीं FY14 से FY19 तक के पेंट इंडस्ट्री के सालाना रिटर्न्स की अगर बात करें, सालाना रिटर्न 11% की ग्रोथ आई ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है पेंट इंडस्ट्री से जुड़ी, इसके चलते एक पॉजिटिव बूस्ट है। इसी के चलते ग्रासिम को कि पेंट इंडस्ट्री एक नया आयाम है जहां पर उतरा जा सकता है। आगे भी पेंट इंडस्ट्री के लिए मजबूत आउटलुक देखने को मिल रहा है। एक टेबल आपके टीवी स्क्रीन पर आएगा जिसमें कंपनियों के मार्जिन और साथ ही मुनाफे पेंट इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियों के हम दिखा रहे हैं। इससे आपको पता लगेगा कि किस तरह से पेंट इंडस्ट्री जो है वो आगे बढ़ती चली जा रही है। पेंट इंडस्ट्री के साइज की अगर मैं बात करूं, 50,000 करोड़ का साइज है जिसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर करीब 30-40% है, डेकोरेटिव सेगमेंट पेंट इंडस्ट्री का 75% हिस्सा है और ग्रासिम की इसी अवसर का फायदा उठाने की यहां पर कोशिश है और यही लक्ष्य है जिसके चलते पेंट इंडस्ट्री में चलेंगे और इसी वजह से हमने एक्शन भी देखा, करीब 10% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। बहुत शुक्रिया मानसी पूरी रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए। सुदीप जी, ग्रासिम का पेंट कारोबार में एंट्री करना एक तो ग्रासिम के लिए और दूसरा पेंट इंडस्ट्री के लिए, दोनों के लिए क्या इंपैक्ट लेकर आएगा? देखिए ग्रासिम के लिए अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है, ये बिल्डिंग रिलेटेड जो सीमेंट रिलेटेड बिजनेस में एबी ग्रुप का बहुत अच्छा पकड़ है, आदित्य बिरला ग्रुप का बहुत अच्छा पकड़ है और इसके साथ पेंट इंडस्ट्री तो बहुत सारे जगह पे डिस्ट्रीब्यूटर रिटेल नेटवर्क भी सिमिलर है और जैसे अभी जिक्र किया गया है आपके सहयोगी ने किया है, इस इंडस्ट्री का पिछले 10-12 साल से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है और सबसे बड़ी बात है इस इंडस्ट्री का एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया जीएसटी आने के बाद। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत प्रॉब्लम आ गए हैं और ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और इसका बहुत बड़ा फायदा ऑर्गेनाइज सेक्टर को मिल रहा है। इंडिगो पेंट्स का रिसेंटली पब्लिक इशू आया था, उनका भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और बाकी लिस्टेड कंपनीज का तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा ही है। तो हम लोगों को उम्मीद है कि ग्रासिम के आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस में पेंट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। बाकी पेंट इंडस्ट्री की अगर बात करें तो जरूर मैं कहूंगा कंपटीशन आ रहा है, तगड़ा कंपटीशन आ रहा है। ग्रासिम बहुत ही एस्टैब्लिश्ड, आदित्य बिरला ग्रुप के बहुत अच्छे सपोर्ट भी रहेगा तो कंपटीशन आएगा। पर यहाँ पे फिर मैं बताना चाहूंगा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास अभी भी इतना बड़ा हिस्सा है, वो ग्रेजुअली ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास आएगा और एक बहुत बड़ा मार्केट अपॉर्चुनिटी है जो कि ग्रासिम लेने की कोशिश कर रही है। चलिए तो ग्रासिम की बात हुई और उसके नए विस्तार प्लान की हमने चर्चा की अच्छे से, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब शर्मा जी का ऑप्शन। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है सर एक बार फिर से शो में। अब बुधवार के लिए बम्पर कमाई का कौन सा ऑप्शन बताएंगे? स्वाति जी नमस्ते आपके और आपके सभी दर्शकों को। तो दो स्टॉक ऑप्शन लेकर आया हूँ, तो पहले इसकी मैं भूमिका बता दूं कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ठंडा लग रहा है क्योंकि निफ्टी जो क्लोज हुआ है आज वो 18 जनवरी का जो लो था 14,222 उसके नीचे क्लोज हुआ, इंट्राडे लो उससे नीचे है और जो क्लोजिंग है 14,281 थी 18 जनवरी को, आज की क्लोजिंग 14,238 है, तो दोनों ही नीचे है और एक थोड़ा सा डाइवर्जेंस, नेगेटिव डाइवर्जेंस भी है ऑसिलेटर्स के अंदर, तो उस दृष्टि से कमजोरी लगती है। एस्कॉट्स के अंदर जनवरी की 1240 की पुट खरीदी जा सकती है 30 रुपए में, स्टॉप लॉस रखें आप 20 रुपए का, टारगेट रहेगा इसका 45। उसी तरह से बहुत लोग हैं जो एसेंशियली जो शॉर्ट नहीं कर सकते हैं या प्रोटेक्शन नहीं खरीद सकते हैं, वो लॉन्ग ही करना चाहते हैं,
तो लॉन्ग जो करना चाहते हैं उनके लिए एक ट्रेड है मैकडोवल, जनवरी की 640 की कॉल खरीदी जा सकती है 9 रुपए पे, स्टॉप लॉस रखे 6 रुपए और टारगेट रहेगा 14 रुपए। किसी कारणवश अगर नीचे खुलता है तो आप नीचे भी लें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टॉप लॉस अगर वो स्टॉप लॉस के नीचे खुले तो फिर आपसे बिल्कुल नहीं लेना, आपको ध्यान रखिए और ये सेटलमेंट तक ही रहेगा जो 2 ही दिन की बात है। धन्यवाद, जय हिंद। आइए जानते हैं बुधवार को बाजार पर क्या बनाएं आप स्ट्रेटजी, सीधे अनिल जी के पास चलते हैं। अनिल जी, अब ट्रेडर्स की नजर है बुधवार पर क्योंकि एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले का सेशन है, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, बाजार को संकेत कहां से मिलेंगे और जो लेवल्स है वो कहां पर एक्सपेक्टेड है? बुधवार को जब भारतीय बाजार छुट्टी के बाद खुलेंगे तो आपके लिए 2 दिनों के संकेत होंगे अमेरिकी बाजारों से, और उसके बाद देखते हैं कि किस तरह का कारोबार ग्लोबल मार्केट से संकेतों के तौर पर मिलता है। लेकिन ज़्यादा ट्रेड भारतीय बाजारों में जो होगा वो इस बात को लेकर होगा कि बजट को लेकर बाजार की उम्मीदें किस तरह की बनती है और वो बाजारों को उतार चढ़ाव भरा वोलेटाइल रख सकती है। FIIs की तरफ से खरीदारी के आंकड़े थोड़े धीमे पड़ते हुए दिखे थे, उसका प्रेशर दिखा, लेकिन दूसरी तरफ वायदा कारोबार में मंथली एक्सपायरी भी है गुरुवार को और उससे पहले बाजार हल्के भी हो चुके हैं। निफ्टी कमज़ोर है तो बैंक निफ्टी उतना कमज़ोर नहीं, तो दोनों तरफ के ट्रेड आपको देखने को मिलेंगे। अब जो आपको परसों के सेशन में बुधवार को जो सबसे ज़्यादा नज़र रखनी है नीचे की तरफ, अब अहम सपोर्ट जो निफ्टी पर आता हुआ दिख रहा है वो 14,150 के आसपास का है और बैंक निफ्टी पे 30,900 का। इन लेवल्स को तोड़ने के बाद फ्रेश कमजोरी आती हुई दिखेगी और मजबूती का संकेत तब आएगा जब निफ्टी अब आपको 14,525 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखे और बैंक निफ्टी अगर 31,550 31,600 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखे तो मजबूती का पहला संकेत आपको दिखेगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो थोड़ा सा कमजोरी का माहौल है, ट्रेडर्स अपनी पोजीशन लाइट करने में लगे हैं, बड़ी इवेंट के पहले कॉशियस मूड है। ग्लोबल मार्केट से उतनी समस्या नहीं लेकिन भारतीय बाजारों में FIIs की बिकवाली का दबाव और सामने बजट, ये दो ऐसे बड़े ट्रिगर हैं जिनके दम पर ऊपरी स्तर पर लगातार सेलिंग आ रही है। तो बुधवार के सेशन में भी और गुरुवार के सेशन में भी 2 दिन आगे आप और उतार चढ़ाव भरे ट्रेडिंग सेशन की उम्मीद कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए और अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए स्ट्रैटेजी बताने के लिए आपका। सुदीप जी, अब आपसे समझना चाहेंगे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी किसी को रखनी हो तो इन्वेस्टमेंट कॉल्स आपकी कौन सी होगी? देखिए मार्केट गिरा है थोड़ा पिछले 3 दिनों से और मैं इन शेयर्स के पहले भी जिक्र कर चुका हूं आपके चैनल पे। NTPC दिग्गज PSU कंपनी है, पावर सेक्टर का लीडर है और अराउंड 94-95 मिल रहा है, 130 का टारगेट लेके यहाँ पे खरीदारी करिए। सिर्फ डिविडेंड यील्ड के हिसाब से भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा कंपेयर टू अदर फिक्स्ड इनकम ऑप्शंस, और पावर सेक्टर का दिग्गज तो है ही। दूसरा कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर के दिग्गज कंपनी है मैक्स फाइनेंशियल, और मैक्स फाइनेंशियल जो सब्सिडियरी लाइफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है उनका रिटेल एजेंसी नेटवर्क बेहतरीन है, और कॉर्पोरेट जो एजेंसी बैंक इंश्योरेंस जिसकी बात की जाती है वहां पे थोड़ा कमियां थी बट एक्सिस बैंक के साथ टाई अप बहुत जल्द अप्रूव होने वाला है और इसके चलते इसका बिजनेस और भी बढ़ने वाला है। कोविड के बाद ओवरऑल इंश्योरेंस का बिजनेस तो बढ़ ही रहा है, करंट लेवल पे खरीदारी कीजिए, 850 का टारगेट रख के 1 साल के लिए। दोनों शेयर में निवेशक को मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूं। चलिए जो सुदीप जी की इन्वेस्टमेंट कॉल्स हुई आगे बढ़ते हैं, अब मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया से बात करते हैं। चंदन जी बहुत स्वागत है आपका, बुधवार को ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बनेंगे? बिल्कुल देखिए नमस्कार, बाजार में पिछले 3 से ऊपर के लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने को मिली है और देखें बजट के चलते बाजार में थोड़ा उठापटक का माहौल रहेगा, बट अच्छी बात यह है कि निफ्टी की बिकवाली के बावजूद भी सेलेक्टिव काउंटर्स में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला था, चाहे आप सेलेक्टिव सीमेंट काउंटर या फिर सेलेक्टिव ऑटो काउंटर्स की बात करें। तो यहाँ पे एक वोलेटाइल स्विंग्स आने वाले 2 दिन में रहेंगे, तो इसके लिए हमने 2 स्टॉक सेलेक्ट किए, एक तेजी की तरफ और एक मंदी की तरफ। तो पहला तो रहेगा TVS मोटर पे, TVS मोटर ने जिस हिसाब से मोमेंटम दिखाया लग रहा है मौजूदा लेवल से लगभग 7-8% का अप्टिक देखना चाहिए, ऊपर में 570-580 तक के लेवल बनने चाहिए, तो फेब महीने का जो 560 का TVS मोटर का कॉल है वो लेने की सलाह रहेगी। 27 रुपए के आसपास ये क्लोज हुआ है, 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में 40-42 के टारगेट होंगे। दूसरा देखिए बैंकिंग में प्रेशर है और इंडसइंड बैंक है वो वीक लगा है, तो यहाँ पे हमें मानना है कि लगभग और 4-5% की डिक्लाइन आनी चाहिए, तो इंडसइंड बैंक को हम पुट लेके ट्रेड करने की सलाह रहेगी नेगेटिव व्यू के साथ में। तो इंडसइंड बैंक का फेब सीरीज का 800 का पुट ले, 40 रुपए के आसपास बंद हुआ है, 30 रुपए का स्टॉप लॉस और हमारा मानना है कि पुट 60 रुपए तक जा सकता है।
बहुत शुक्रिया चंदन जी शो में शामिल होने के लिए, साथ ही सुदीप जी आपका भी बहुत शुक्रिया आप शो में आज शामिल हुए। तो आज के शो में बस इतना ही, बुधवार से आप सभी से मुलाकात होगी। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।